2100 रुपए में किसानों के खेत की मिट्टी खरीदने की बात करने वाले शिवराज सिंह चौहान आज किसानों के गेहूं में नमी का बहाना बनाकर खरीदी को बंद कर दिया गया है। हजारों किसान गेहूं उपार्जन केंद्रों के बाहर किराए की ट्रैक्टर ट्राली व लोडिंग वाहनों में गेहूं रखकर अपने नंबर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं शिवराज सरकार का तुगलकी फरमान से किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर कर रख दिया है। यह बात आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम अनुविभागीय अधिकारी को दिए गए ज्ञापन के दौरान कहे। इस दौरान श्री स्वामी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रहती है तो किसानों के प्रति उनका नजरिया कुछ और होता है और सत्ता में आते ही जो किसानों के दुख दर्द को भूल जाते हैं। आज समय ओलावृष्टि और प्राकृतिक आपदा में किसानों की कमर तोड़कर रखती है, वहीं आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे किसान जैसे तैसे अपनी फसलों को काटकर गेहूं उपार्जन केंद्रों पर लाए तो शासन के समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी बंद करने के आदेश ने किसानों के समक्ष अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न कर दी है। श्री स्वामी ने बताया कि किसान 28-29 तारीख तक अपने स्लॉट बुक करा चुके हैं और अपनी उपज लेकर उपार्जन केंद्रों के बाहर खड़े हुए हैं। किराए की ट्रैक्टर ट्राली और लोडिंग वाहन से अपने गेहूं लेकर इस उम्मीद में किसान केंद्रों पर आया है कि गेहूं बेचकर किराया अदा कर देगा, लेकिन शासन के आदेश ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर कर रख दिया, जिसके कारण क्षेत्र का किसान आक्रोशित है। शासन प्रशासन तत्काल आदेश वापस लेकर पुनः उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी का कार्य प्रारंभ करें। इस अवसर पर ओम प्रकाश मौर्य, हेनरी मचार, अयुब मेव, इरशादुद्दीन शेख, हरंगी तिवारी, रोशन सिंह सिकरवार, बेरूलाल चावड़ा, गट्टू सिंह गुजर, सचिन रघुवंशी, चेतन परमार, दीपक रघुवंशी, संजय गहलोत, जूरंडे आदि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ज्ञापन का वाचन ओम प्रकाश मौर्य ने किया। इस दौरान उपस्थित आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान द्वारा उन्हील की सभा में दिए गए व्यक्तित्व के समाचार पत्रों की कटिंग मीडिया के समक्ष सार्वजनिक की, जिसमें 2100 रुपए में किसानों के खेत की मिट्टी खरीदने की बात श्री चौहान द्वारा कही गई थी। जिसे उज्जैन संभाग के समस्त गेहूँ उपार्जन केंद्र पर समर्थन मूल्य के अनाज खरीदने का कार्य बंद करने पर मंडियों के सामने विगत 4 दिनों से किराए का ट्रैक्टर व अन्य वाहनों को लेकर अपनी उपज बेचने के लिए प्रतिक्षरत किसान भाइयों पर पड़ रही है। अधिक मार्ग को देखते हुए तत्काल आदेश वापस लेते हुए उपार्जन केंद्रों पर अनाज खरीदने की प्रतिक्रिया तत्काल प्रारंभ करने के बाबत उपरोक्त विषय में अंतर्गत अनुरोध है कि 25 मार्च से संभाग के गेहूं उपार्जन केंद्र पर अनाज खरीदने का कार्य शासन द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसान भाइयों द्वारा 28-29 तारीख तक के स्लॉट बुक कर लिए गए थे, जिसके बाद सभी किसान भाई किराए के ट्रैक्टर व लोडिंग वाहनों से अपने उपज लेकर गेहूँ उपज केंद्र पर सामने अपनी उपज बेचने के लिए प्रतीक्षरत है। मात्र 2 दिन बाद ही गेहूँ में नमी का हवाला देकर गेहूँ उपज केंद्र पर खरीदी बंद करने का शासन का आदेश किसान भाइयों के साथ धोखा व विश्वासघात है। प्राकृतिक आपदा में या ओलावृष्टि और अतिवर्षा के कारण किसान भाइयों की फसलें तबाह हुई है। वहीं शासन की तुगलकी फरमान व लापरवाह नीतियों के कारण किसान भाइयों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। शासन के आदेश निकालने के पूर्व स्लॉट बुक किए गए किसान भाइयों की फसल खरीदने के पश्चात ही गेहूँ उर्वरक केंद्र का कार्य बंद करना था, जहाँ संभाग की मंडियों में हजारों किसान अपनी उपज लेकर प्रतिक्षरत हैं। तभी किसान शासन के इस तुगलकी फरमान से आक्रोशित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप किसान के हितैषी होकर किसानों के साथ में इस तरह का छलवा कैसे कर सकते हैं? विपक्ष में रहते हुए आप किसान भाइयों को यह विश्वास दिला रहे थे कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो खेत की मिट्टी भी खरीद लेता। आज किसान भाई अपनी उपज लेकर मंडी के सामने खड़ा हुआ है और अपने तानाशाह फरमान सुनाते हुए, मिट्टी तो बहुत दूर की बात है, गेहूँ खरीदना का कार्य भी बंद करवा दिया गया है। संकट के समय में जहाँ शासन को किसान भाइयों के साथ खड़ा होना था, वहीं शासन की नीतियों के कारण आज किसान परेशान व त्रस्त है। अतः आपसे अनुरोध है कि उज्जैन संभाग के समस्त गेहूँ उपार्जन केंद्रों पर समर्थक मूल्य के अनाज खरीदने का कार्य बंद करने पर मंडियों के सामने विगत 4 दिनों
से किराए का ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को लेकर अपनी उपज बेचने के लिए प्रतिरक्त किसान भाइयों पर पड़ रही अधिक मार को देखते हुए तत्काल आदेश वापस लेते हुए उपार्जन केंद्र पर अनाज खरीदने की प्रतिक्रिया तत्काल प्रारंभ करने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद। सुबोध स्वामी, जिला अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी उज्जैन और समस्त आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। आज आम आदमी पार्टी जिला उज्जैन के जिलाध्यक्ष श्री सुबोध स्वामी जी के द्वारा आम आदमी पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के नाम एक ज्ञापन SDM कार्यालय नागदा में आज प्रेषित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो उपार्जन केंद्रों की में जो खरीदी है, जो उपार्जन में तीन दिनों की अभी जो रोक लगाई गई है, कारण जिसमें नमी बताया गया है, शासन के जो निर्देश है उसके विरुद्ध में अपना विरोध प्रदर्शन इसमें प्रकट किया गया है। इसके अलावा इनमें कई जो किसान हैं उनने किराए के माध्यम से किराए के ट्रैक्टर ट्रॉली से जो लेके आए थे गेहूँ वगैरह उसको लॉसेस, इन सबका उल्लेख आपके द्वारा ज्ञापन भी किया है, क्योंकि जो निर्णय है शासन स्तर से जारी किया गया था इस संबंध में उचित कार्रवाई शासन स्तर पर प्रकरण प्रेषित किया जाएगा।